बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सेकंड ईयर इंग्लिश का वो पेपर बताऊंगा जो कि इंशाल्लाह ताला आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ सिर्फ वो कर लेनी है। सवालात में आपको कुछ बताऊँगा, कुछ एसेज के हवाले से बताऊँगा और कुछ जो लास्ट पे पैराग्राफ होता है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन का, उसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो तकरीबन आप लोगों का 15 नंबर का होता है, आई थिंक या 10-15 नंबर का होता है। और इसी तरीके से आपका एसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ईडियम्स आपने कहाँ से करने हैं, क्या सिलसिलाकार है सारा, तो तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आपने प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो टाइम है वो ज़ाया नहीं होगा, आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो चीज़ें पता चल जाएंगी जो कि इंशाल्लाह ताला पेपर के अंदर पूछी जाएगी। सो जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपने वो नोट कर लेनी है। सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, अभी वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो भी आप लोगों तक उसके नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा, आपकी बुक 2 मॉडर्न प्रोज में से सिर्फ आपने पहले 7 चैप्टर करने हैं, पहले सिर्फ 7 चैप्टर कर लें। अगर 7 भी नहीं होते तो 6 चैप्टर पहले आपने कर लेने हैं, इंशाल्लाह ताला आपके 5 या 6 सवालात जो हैं उसी में से कवर अप हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों को बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो जस्ट आप लोगों ने पहले 6 चैप्टर या 7 चैप्टर कर लेने हैं, बाकी अगले चैप्टर छोड़ दो, आप लोगों का पेपर ईज़िली कवर अप हो जाएगा। अब जो पहले आप लोगों के चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। हाउ इज़ अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर चांसेस हैं, तकरीबन 90%+ चांसेस हैं कि उन बोर्ड्स के अंदर ये सवालात पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से डिस्क्राइब जेरोम विजिट टू द मेडिकल मैन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू इन सैनिटरी कंडीशन काज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज़ ए ह्यूमन लाइफ कन्फाइंड टू अर्थ ओनली इफ सो वाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द फाइनेंशियल प्रेशर लेड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये वाई बॉयज फेल्स इन द कॉलेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से लाजमी एक सवाल जो है वो पूछा जाता है। और आपने ये बात भी याद रखनी है किसी चैप्टर में से 2 सवाल नहीं आएंगे, जस्ट ओनली 1 क्वेश्चन आस्क फ्रॉम ओनली 1 चैप्टर, ठीक है, ये बात याद रखनी है, सिर्फ 1 चैप्टर से 1 सवाल पूछा जाता है। सो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने इनको फोकस करना है, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये कुछ सवालात मैंने आपको बताए हैं और इस ये जो सारे सवालात बताए हैं ये गेस्ट पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो उसके बाद आप लोगों का पोर्शन होता है बुक 2 में से ही हीरोज़ वाला, ठीक है, वो हीरोज़ वाला पोर्शन होता है। अब उसके 5 टोटल आई थिंक चैप्टर हैं, ठीक है, लास्ट वाला उसका आई थिंक वो मुस्तफ़ा कमाल वाला चैप्टर है, तो उसमें से आपने क्या पोर्शन करना है, क्योंकि उसमें से भी आपने 6 सवालात करने हैं, 12 नंबर हैं उसमें से, तो उसका आपने पहला चैप्टर करना है, ठीक है, वो आई थिंक चर्चिल वाला, वाई चर्चिल डू इन हिज लैटिन पेपर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं उसके अंदर भी बहुत सारे। तो इसके बाद आपने करना है चैप्टर नंबर 2 उसका, चैप्टर नंबर 3 और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 मुस्तफ़ा कमाल वाला, ठीक है, मे बी यहाँ पर भी जो है वो आप लोगों के लिए लिखा होगा सारा डिटेल के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को कुछ सवालात जो है शेयर कर भी देता हूँ और कुछ पैराग्राफ जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मे बी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है, आई थिंक लाइट काफ़ी ज़्यादा है, सो मैं आप लोगों को कुछ रीडिंग करके जो है वो बता देता हूँ। वाई चर्चिल कॉल्ड एग्जामिनेशन एज इन हॉस्पिटल रीजन, What are were the intelligent boy taught at Harrow? Who was listed and what did he do? How did Fleming discover penicillin? ये बहुत ज़्यादा important है, ये Fleming वाले, इसमें से 2 सवालात पूछे जाएंगे, ये Fleming वाला Pasteur वाला जो है ना बहुत ज़्यादा important है, आपने लाजमी तौर पर याद करना है। How did Pasteur stimulate the other scientist? What was the मुस्तफ़ा कमाल first object after assuming the power? Why was the examination a great trial to Churchill? What did Duchess feel about summer vacations? Who was Mustafa Kemal? Describe early life of Pasteur. Describe how Fleming discovered penicillin. सो ये कुछ सवालात मैंने आपको बताए हैं, आपने कोशिश करनी है इनको लाजमी तौर पे याद करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह ताला जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं ना आपने इनको याद करना है।
अब कुछ परसेंटेज सवाल की होती है चैप्टरों की जो एक्सरसाइज होती है उसमें से आते हैं, और कुछ परसेंटेज होती है चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो अगर आप लोगों ने चॉइस पे काम किया हुआ है तो चैप्टर आपने पूरा करना है, अंदर से भी चैप्टर की और बाहर भी, जो मोर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चूजी काम नहीं करना चाह रहे, आप लोग पूरे पूरे चैप्टर करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक्सरसाइज के सवाल कर लो, उसमें से आपका पेपर इंशाल्लाह पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज के जो चार पाँच सवाल या छः सवाल दिए होते हैं उन्हीं को कर लेते हैं, पेपर देने जाते हैं तो पेपर में से अंदर से थोड़ा बहुत पूछा होता है, एक आधा सवाल आ जाता है, आता ज़रूर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ मोर शॉर्ट क्वेश्चन से। सो बैकअप आपने लाजमी रखना है, जितने चैप्टर मैंने आपको बताए हैं इनको पूरा करना है, कंप्लीट करना है, या इनके अंदर से जो गेस्ट पेपर के अंदर सवाल मैंने आपको बताए हैं ना वो कर लेने पूरे, फिर इंशाल्लाह 100% आपके सवाल कवर अप हो जाएंगे, तकरीबन 80-90% बोर्ड के अंदर। कुछ एक आधा या दो बोर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर पेपर कम आता है, लेकिन मोस्टली बोर्ड्स के अंदर पेपर इसी में से आ जाता है, क्योंकि अभी 9th के पेपर मैंने करवाए हैं, 10th के पेपर करवाए हैं, वहां पे जाके आप लोग कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, बच्चों का बड़ा पड़ा है कि भाई जितना मैंने आपको गाइड किया था, जो जो चीज़ें मैंने उनको बताई थी स्कीम के हिसाब से, पेपर के हिसाब से, वही तकरीबन 80%+ बोर्ड के अंदर पूछी गई है। तो इसी तरीके से अब बात करते हैं जो आप लोगों का मिस्टर चिप्स वाला पोर्शन है, ठीक है। मिस्टर चिप्स काफ़ी डिफ़िकल्ट पोर्शन है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन में डालता है कि भाई मिस्टर चिप्स में से अगर हमने करना तो करना क्या है। सो मिस्टर चिप्स वाला सिर्फ आपने जो पास्ट पेपर हैं आपके उनमें से जो सवाल आते हैं वो कर लेने, बाकी सारा कुछ छोड़ दें, बाकी आपसे नहीं याद होगा। और या तो आप लोग जो मैंने गेस्ट पेपर दिया हुआ है वो कर लो, वो भी तकरीबन वो सवाल बताए हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आपसे पूछे जाएंगे, फिर बेशक आप लोग पेपर दे के आके मैच कर लेना, काफ़ी बोर्ड्स के अंदर इन्हीं सवाल में से पूछा जाएगा। सो मिस्टर चिप्स आपने क्योंकि बुक के अंदर तो सवाल दिए नहीं हुए, सो अब बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट सवाल, तो मैंने आपको बता दिए 40 नंबर के। अब बात करते हैं ऐसे ऐसे के हवाले से, मैं आपको बताता हूँ इलेक्शंस वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इलेक्शंस का सिस्टम चल रहा है, आपको भी पता है। सो इलेक्शंस की बातें चल रही हैं, वो करंट सिचुएशन के हिसाब से भी आपको ऐसे देते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इलेक्शंस वाला, हॉलीडे विलेज लाइफ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डे लास्ट डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे आप लोगों को बताए भी थे, आपने उन ऐसेज़ को याद कर लेना, ऐसे वाली वीडियो मैंने बकायदा अपलोड की हुई है, ठीक है। इसी तरह एडवांटेजेस इन एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल फोन्स यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, या इंटरनेट वाला, ये चार पांच ऐसे हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। सो वो ऐसे वाली वीडियो आपने देख लेनी, इंशाल्लाह आप लोगों ने उनका रिवाइज कर जाना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसी तरीके से अब ईडीएम्स, ईडीएम्स कहाँ से करने हैं, ईडीएम्स जो 2022 के अंदर आए हुए हैं ना, आपने वो नहीं करने किसी भी बोर्ड के, आपने करने हैं 2021 में स्मार्ट सिलेबस था वो भी नहीं करने, 2020 के अंदर आई थिंक आपके पेपर नहीं हुए थे, ठीक है, वो कोरोना की वजह से। सो जो उससे पिछले बोर्ड्स हैं ना उनके आपने ईडीएम्स करने हैं, ईडीएम्स बकायदा ये गेस्ट पेपर के अंदर भी हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे बकायदा इसकी वीडियो जो है वो भी आप लोगों के साथ को मिल जाएगी, अगर नहीं तो आप लोग सिर्फ जो फैसलाबाद बोर्ड के हैं वो कर लें, अगर आप लोग होड़ बोर्ड के अंदर, होड़ बोर्ड के पाँच साल पेपर वाले कर लें, अगर आप गुजरा वाला बोर्ड के अंदर, गुजरा वाला बोर्ड के जो पाँच साल पेपर के अंदर वो कर लें, इंशाल्लाह आपके पाँच कवर अप हो जाएंगे 8 में से। सो उसके बाद है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज टू इंग्लिश, उर्दू वाला पैसेज होता है इंग्लिश में बदलना है, तो ये मोस्टली अनसीन आता है हर दफ़ा, तकरीबन 70% ये हर बोर्ड के अंदर अनसीन आता है, मतलब आपके ना लर्नर के अंदर दिया होता है ना टिप्स के अंदर कहीं भी नहीं होता, ठीक है। सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, मोबाइल फ़ोन जदीद दौर की याद है, हिंदुस्तान है पाकिस्तान को तबाह करने वाला, इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की और गैर मुल्की है, मौजूदा ज़माना है साइंस का ज़माना है, इलामा इकबाल एक अजीम इंसान थे, एक दिन हमारे प्यारे नबी दरख्त, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक मोरख अपने अहद की, कारोबार में दयानत से इजाफा, तलीम का असल मकसद तुलबा के करदार को उभारना है, ये मेरा गांव है, हमारे स्कूल में बच्चों को, ठीक है, ये आपने लर्नर निकाल लेना है वहाँ पर, ये सारे दिए हुए हैं, आपने इनको अच्छे से रिवाइज़ कर जाना है, बाकी अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दें, और अल्लाह करे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं में से आपका पेपर पूछ लिया जाए, और इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, हमारी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं, लेकिन मेहनत पहला फरीज़ा है, आपने मेहनत करनी है, फल मेरा अल्लाह आपको लोगों को देगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी अभी लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जो अगले पेपर्स होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरीके से करवाए जाएंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल दी एंड, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।